पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों को लायंस क्लब एवं लियो क्लब कुचामन फोर्ट की टीम ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। बस स्टैंड पर क्लब अध्यक्ष राम काबरा, कोषाध्यक्ष पवन सांबरवाला, संरक्षक पवन जैन, लियो क्लब अध्यक्ष राघव सारडा, सचिव हर्षित बंसल, कोषाध्यक्ष राघव लाहोटी, सुशील काबरा, मुरलीधर गोयल, जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, मुरली मनोहर स्नेही, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष मोहम्मद शकील, चिराग मालपानी, विष्णु लाटा, अनिल काला ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनकी शहादत को नमन किया। लोयन राम काबरा ने बताया कि चाइना भारत के प्रति हमेशा धोखेबाज रहा है। वह एक तरफ तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है तो दूसरी तरफ इस तरह की नापाक हरकतें करता है। इन हरकतों का जवाब देने के लिए प्रत्येक भारतीय को चीनी वस्तुओं के बहिष्कार करने का संकल्प लेना होगा। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़पों में शहीद हुए मां भारती के वीर सपूतों की शहादत को सत नमन। चाइना कभी भी भारत के प्रति विश्वसनीय नहीं रहा, वह हमेशा से ही धोखेबाजी करता आ रहा है। एक तरफ तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है और एक तरफ इस तरह की नापाक हरकतें करते आ रहा है। चाइना की इस नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए प्रत्येक भारतीय को ये एक सोचना पड़ेगा, ये एक संकल्प लेना पड़ेगा कि वह पूर्ण रूप से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करे। इस तरह का ये बहिष्कार करने से निश्चित रूप से चाइना की कमर टूटेगी और वह इस तरह की नापाक हरकतों से बाज आएगा।